हे गाइस वेलकम टू ट्रैवल फूड एंड टॉक आज का ये वीडियो होने वाला है अबाउट फूड नाउ ऑल ऑफ अस हु एंजॉय रोड ट्रिप्स आई एम श्योर आल्सो एंजॉय द रोड साइड ढाबास एंड वहाँ का खाना सो टुडेज वीडियो इज अबाउट अ ढाबा स्टाइल मटन करी तो इस मटन करी के लिए आपको चाहिए मटन घी सरसों का तेल अदरक लहसुन प्याज लाल मिर्च नमक and mutton masala by any preferred brand that you like. I have taken Shan and mix it with a bit of Everest mutton masala. And for a kilo of mutton you also need half a kilo dahi. So guys, अब हम कढ़ाई लेंगे और उसमें कर लेंगे गरम घी and तेल and उसमें डाल देंगे हम हमारी प्याज प्याज को अच्छे से भून कर उसमें हम बारीक कटा हुआ अदरक और लहसुन भी डालेंगे बाकी मसाले स्वाद अनुसार हैं तो वो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं इस मटन करी में हम लोगों ने इस्तेमाल किया है देगी मिर्च इंस्टेड ऑफ़ द रेगुलर रेड चिलीज बिकॉज देगी मिर्च इतना ज़्यादा तेज़ नहीं होती एंड कलर उसका बहुत अच्छा आता है नाउ मूविंग अ हैड वी विल मिक्स द हाफ किलो दही इन दिस ग्रेवी एंड दही डालते हुए ये ध्यान रखिएगा कि गैस धीरे कर दें और उसको डालते के साथ ही चलाना शुरू कर दें वरना दही फट जाएगी दही सिंपें तब तक चलाते रहिए करछी से जब तक उस ग्रेवी में बॉयल ना आ जाए एक बार बॉयल आ जाएगा तो उसी ग्रेवी को हम लोग थोड़ी देर पकने देंगे जिससे सारे के सारे मसाले प्याज लहसुन अदरक दही एक अच्छा सा कलर ले लें एंड एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो के इसका फ्लेवर और बढ़ा दें तो ये ग्रेवी हम लोगों ने पकने दी पंद्रह से बीस मिनट एंड साइड बाय साइड हम लोग अपने मटन को भी हल्का सा भून लेंगे एंड रेडी कर लेंगे फॉर द परफेक्ट मैरिज बिटवीन दिस ब्यूटीफुल ग्रेवी एंड दी मटन मटन भूनने के लिए हमने अलग एक प्रेशर कुकर लिया है और उसमें डाला है थोड़ा सा घी जिसमें हम डाल देंगे हमारा रॉ मटन विदाउट एनी स्पाइसिस विदाउट आउट एनी थिंग एंड उसको हम थोड़ा देर भूनेंगे जैसे ही मटन हमारा भुन जाएगा और वो पानी छोड़ेगा एंड हल्का सा गोल्डनिश टेंच भी ले लेगा उसमें हम ये हमारा भुना हुआ मसाला ऐड कर देंगे एंड दोनों को मिक्स करके थोड़ी देर धीमी आंच पे भूनते रहेंगे वंस इट हैज़ बीन ऑन द गैस स्टोव फॉर अराउंड टेन फिफ्टीन मिनट्स हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल के गर्म पानी डाल के इसको सीटी दे देंगे डिपेंडिंग ऑन द मटन क्वालिटी जितना टाइम सीटी एंड पकने में लगेगा उतनी ही हम देर इसको कुकर में छोड़ेंगे Tubas Yeti Hamari simple and quick mutton recipe in the Dhaba style. I promise you that it is one of the best and the easiest mutton recipes that you will ever eat. And do not forget to garnish it with fresh coriander leaves. And you can have it with nice salad of Nimbu, Harimach, Pyaz, and some nice homemade tandoori roti. I hope you enjoy this mutton curry sometime when you make it. And do let me know how you like it.